हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। ये भाई हमारे एलवी जो है बुकरा भाई तो आग लगा रहे हैं बिग बॉस में। जिंदगी का आधा घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं हम मार्केट में जाने में। इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना कसम से चालू करने के लिए। काम मेरे को इतना बॉडी पेन हो रहा था मैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:20। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है ब्लॉग बनाने के लिए, बट हाँ बनाना चालू कर दिया मैंने ब्लॉग, क्योंकि देखा मैंने इस टाइम सभी बना रहे हैं तो मैं सोचा मैं भी बना लूँ ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ मेट्रो के अंदर और मैं जा रहा हूँ, जैसे तुम ड्रेस से दिख रही है, मैं जा रहा हूँ स्कूल। मैं हूँ 10वीं क्लास में और अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अंकित, दिल्ली में रहता हूँ, 10वीं क्लास में हूँ और इस साल बोर्ड्स हैं तो काफ़ी तैयारी भी करनी है बोर्ड्स की। मेट्रो में काफ़ी एक्टिव हो रहा था, इतने सारे लोगों के सामने ब्लॉग बनाना, लेकिन ऐसी आदत पड़ेगी। और अभी मेरी मेट्रो आ गई है तो मैं जा रहा हूँ अपनी मेट्रो में, मिलता हूँ आपको स्कूल के बाद ही। अगर स्कूल के अंदर ब्लॉग बनाने का मन कर गया तो स्कूल के अंदर ही बनाएंगे। तो शाम के 7 और मेरे को पता है मैंने सुबह के बाद कुछ ब्लॉग नहीं करा, बट यार स्कूल से आने के बाद आँख लग गई थी और फिर भाई पता नहीं चला कब 7 बज गए, पूरी बॉडी में पेन था। आज का दिन भाई सबसे बेकार था। एक तो भाई क्या बताऊँ मैं, एक पूरा दिन स्कूल में लाइट नहीं, पता नहीं क्या फ़ायदा स्कूल वालों को पैसा देने का, जबकि भाई पूरा दिन लाइट नहीं, भाई इन्वर्टर कुछ नहीं चला। तो भाई मैं तो कहूँगा भाई, देखिए भाई नाम नहीं ले सकता मैं अपने स्कूल का, फिर टीचर को पता चल गया मेरे ब्लॉगिंग चैनल और ब्लॉग व्लॉग देख लिया मेरे तो लग जाएंगे। तो अब भाई मैं चाय पीता हूँ, मेरे को भाई अभी पता चला कि आज मंगलवार है, तो अभी जाना है चाय वाय पी के हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर से मैं मिलता हूँ तुम्हें रास्ते में। हनुमान मंदिर से आने के बाद देखते क्या करना है और फिर भाई घर वालों के सामने तो अभी पहला ब्लॉग कर नहीं सकता, धीरे धीरे करूँगा। अभी थोड़े छोटे मोटे ब्लॉग आएंगे, लेकिन जब कहीं बाहर जाऊँगा तो पक्का डेफिनेटली। और मैं लोग एक चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम बिग बॉस फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, क्योंकि भाई मैं तो कर रहा हूँ भाई, पूरा टाइम लाइव देखते रहता हूँ बिग बॉस और उसके चक्कर में भाई रात को नींद सही से पूरी होती नहीं है। भाई हमारे एलवी जो है फुकरा भाई तो आग लगा रहे हैं बिग बॉस में भाई, जब से, लेकिन भाई देख फुकरा भाई आई लव फुकरा भाई, लेकिन जब से भाई एलवी जो भाई गए ना बिग बॉस के अंदर सबकी भाई वाट लगा रखी है। और अभी भाई अभी रिसेंटली जो मैं अभी लाइव देख रहा था, उन्होंने कोई डिक्टेटर का टास्क आ रखा है भाई, कसम से मेरे को इतना गुस्सा आया अविनाश के ऊपर भाई इसके। भाई देखो जब ये घर से बाहर निकलेगा, अभी तो इसको समझ नहीं आ रहा एलविश की पावर, लेकिन जब ये घर से बाहर निकलेगा तो इसको पता चलेगा भाई एलविश कितनी बड़ी चीज़ है। और भाई मैंने अभी भाई का ब्लॉग भी देखा था जब अज्जू भैया का, तो उसमें भी मैंने देखा भाई 1001 गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से HR26 की। और अगर कसम से मैं भी अभी बड़ा होता ही तो मैं 15-16 का हूँ, मतलब 15 का हूँ, लेकिन अगर मेरे वो एज थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती तो शायद मैं भी जाता उन गाड़ियों में। और आप कमेंट करना आपका फेवरेट कौन है, मेरे लिए तो दोनों ही भाई है, मतलब हमारे उनके मतलब ये जो सब्सक्राइबर है लड़े जा रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेस्ट। अभी लड़ने का टाइम नहीं है, दोनों कंबाइन हो फाइनल्स में, देखते हैं भाई दोनों भाई को फाइनल्स में लेके जाना है, फाइनल्स में देखना, फाइनल्स में तुम्हारा जो फेवरेट तुम उसे वोट करना, लेकिन अभी दोनों भाई को साथ में लेकर चलना है और दिखाना है टीवी एक्टर्स को, ये जिया को, अविनाश और फलक को, कि भाई हमारे यूट्यूबर्स कितनी बड़ी चीज़ है। और अभी मैं 2 मिनट मुँह धो लेता हूँ चाय वाय पी के और फिर चलते हैं हनुमान मंदिर। तो भाई अभी अभी आया हूँ मैं हनुमान मंदिर से और मैं कहना चाहूँगा भाई हर जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हो सब हर मंगलवार भाई हनुमान मंदिर को जाया करो, अपना मतलब ज़िंदगी का आधा घंटा तो तुम निकाल ही सकते हो हनुमान मंदिर जाने के लिए। इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना कसम से चालू करने के लिए। काम मेरे को इतना बॉडी पेन हो रहा था मैं फिर भी हनुमान मंदिर, और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। और अभी मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी देर में, ये बूंदी का प्रसाद लेके आया हूँ, ये मतलब घर में सबको बांट दूँगा, और कुछ दवाइयाँ भी लेनी थी तो दवाइयाँ भी ले लेता हूँ। बाकी तुम लोग मेरे को ये बताना कि भाई तुम्हारा मतलब जैसा तो कोई स्कूल में ऐसा डांस का कोई कॉम्पिटिशन वगैरह होता है तो भाई तुमने आज तक किसी ने कुछ पार्ट लिया, क्योंकि मैंने मतलब कुछ टाइम से मैं डांस में पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है डांस में पार्ट लेना। और भाई जो इतनी हालत ख़राब हो रखी है ना मेरे बॉडी की, वो उसी डांस की वजह से हो रखी है। मैं तुम्हें कल तो मेरे को लगता नहीं मैं स्कूल जा पाऊँगा, लेकिन परसों तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि भाई हमारी तैयारी कैसी होती है डांस की।